हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो हमारी स्टोरी है उसे हम शुरू करते हैं। मैं शहर में पढ़ने के लिए गई थी। शादी से कुछ दिन पहले घर आई तो मेरा मंगेतर मुझसे मेरी वर्जिनिटी यानी कुंवारेपन का सबूत मांगने लगा। हमारे गांव में एक ऐसी जगह थी जहां लड़की को 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। अगर लड़की दागदार या चरित्रहीन होती तो गायब हो जाती, चरित्रवान यानी पाक दामन होती तो 7 दिन में सही सलामत वापस आ जाती। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मुझ पर यह अत्याचार अन्याय जुल्म ना करें। मैंने अपने मंगेतर को बहुत समझाने की कोशिश की, ये हर लड़की कैरेक्टर लेस नहीं होती है। वहाँ सिर्फ मैं पढ़ने के लिए गई थी, वो सब करने के लिए नहीं। लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था और ज़बरदस्ती मुझे उस जगह ले जाकर बंद कर दिया गया। रात को जब मैं वॉशरूम गई तो वो देख कर तो मेरे जैसे शरीर में से आत्मा ही निकल गई हो मेरे साथ। घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी, मैं भी खुश थी। मेरी सहेलियां मुझे काशिफ का नाम ले लेकर तंग कर रही थी। मैं पहले से काशिफ को नहीं जानती थी, वो मेरे अब्बा के दोस्त का बेटा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में ही बैठी थी जब बारात आने का चारों तरफ से शोर होने लगा। मैं अपने गांव की खूबसूरत होने के साथ साथ एक अकेली पढ़ी लिखी लड़की थी। पूरे गांव में सिर्फ मैंने ही 14 क्लास तक पढ़ाई की थी। मेरे पिता एक किसान थे, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 10वीं क्लास मैंने अपने गाँव के ही गर्ल्स स्कूल से पास की थी। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं आगे और पढ़ाई करूँ, लेकिन अब पढ़ाई का शौक मेरा जुनून बन गया था। पहले तो मैंने अब्बा को प्यार से मनाना चाहा, जब वो नहीं माने तो मैं उनसे नाराज़ हो गई और फिर खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी मगर अब्बा को डर था। उन्होंने गांव में सुन रखा था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएं तो अपनी मनमानियाँ करने लगती हैं और माँ बाप से बहस करती हैं, इसलिए मुझे आगे पढ़ाई पूरी करने की परमिशन इस शर्त पर मिली थी कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे अब्बा चाहेंगे। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करने का शौक था, इसलिए मैंने अब्बा की शर्त को खुशी से मान लिया। क्योंकि गांव में कोई कॉलेज नहीं था इसलिए शहर के हॉस्टल में रहना पड़ता था। मैं महीने में 2 बार गांव आती थी। 14 क्लास पास करते ही जैसे ही मैं गाँव लौटी, अब्बा ने आनन फानन में मेरी शादी का फैसला ले लिया और मुझसे कहने लगे, रिदा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। मैंने अपना वादा निभाया है तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई तालीम दिलवा कर, अब तुम अपना वादा निभाओ। अब शादी के बारे में तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगी। मेरी ज़बान को पहले ही ताला लगा दिया गया था इसलिए मैं चुप हो गई। काशिफ कौन था, कैसा था, जिससे मेरा रिश्ता जोड़ा जा रहा था, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही उसके बारे में कुछ पूछने की मुझे परमिशन थी। फिर मेरे दिल में भी पहले से किसी के लिए भी प्यार की भावना या जज्बात नहीं थे, इसलिए अब्बा ने जो मेरे लिए पसंद किया था मुझे दिल से कबूल था। मैं जानती थी मेरे मुंह से निकला एक भी शब्द मेरे खानदान की बदनामी का वजह बन जाएगा कि बेटी ने 4 क्लासें क्या पढ़ ली, माँ बाप के सामने जबान चलाने लगी है। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगे, मेरे अब्बा की परेशानी बौखलाहट बढ़ने लगी। वजह क्या थी मैं नहीं जानती थी, मगर शादी से पहले मेरी माँ मेरे कमरे में आई। जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा मैं सुनकर सन्न रह गई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझ पर कभी ऐसा सवाल भी उठाया जाएगा। रिदा, तू 4 साल से शहर के हॉस्टल में रह रही है, कॉलेज में पढ़ती रही है, मुझे बता दे कहीं अपने बाप की इज्जत का जनाजा तो नहीं निकाल दिया? सबके सामने तेरी पवित्रता की परीक्षा पाक दामनी का इम्तिहान है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे अब्बा तो जीते जी मर ही जाएंगे, ये कहकर अम्मा रोने लगी। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि अब्बा की इज्जत पर कोई उंगली भी उठा सके। मेरी माँ मेरी बात पर संतुष्ट नहीं हो रही थी। वो बोली, काशिफ कहता है कि निकाह से पहले रिदा अपनी पवित्रता का सबूत मुझे देगी कि वो कुंवारी यानी वर्जिन है, उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। ये सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। बाहर सारी बिरादरी बैठी हुई थी, बारात आ चुकी थी और मेरा होने वाला शौहर ये कैसी बेतुकी सी बातें कर रहा था, कैसी वाहियात शर्त मेरे सामने रख रहा था। मैं भला उस बात का उस समय क्या सबूत दे सकती थी? मैंने कहा, अम्मा मैं इस समय ऐसी घटिया वाहियात बात का
मैं उसे कैसे यकीन दिला सकती हूँ? अम्मा कहने लगीं, काशिफ कहता है हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियाँ बद किरदार कैरेक्टरलेस होती हैं, इसलिए मैं निकाह तभी करूँगा जब रिदा उस आस्ताने जहाँ पर लड़कियों की पवित्रता को जांचने के लिए रखा जाता था, 7 रातें गुजार कर सही सलामत बाहर आ जाएगी, वरना ये उस आस्ताने से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो आस्ताना जंगल में है। जब भी किसी लड़की के कैरेक्टर पर शक हो जाता तो उसे उसी छोटी सी कोठरी नुमा आस्ताने में 7 दिन रहना पड़ता। इतना पढ़ लिख जाने के बाद मुझे इन दकियानूसी और अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंद छोटा सा कमरा एक लड़की के कैरेक्टर पवित्रता का फैसला करेगा? गांव में ये रिवाज था कि जिस लड़की के कैरेक्टर पर शक होता था उसे उस जंगल वाले कमरे में 7 दिन रखा जाता था। अगर 7 दिन बाद वो कमरे से बाहर निकल आती तो उसे पवित्र समझा जाता, और अगर गायब हो जाती तो ये समझा जाता कि वो बुरी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के लोग ऐसे कैसे किसी की लड़की के चरित्रहीन या चरित्रवान होने का अंदाज़ा इन दकियानूसी बातों से लगा सकते हैं। मैं भला क्यों किसी जंगल और बियाबान एक बंद कमरे में 7 दिन गुजारूं? लेकिन मैं संतुष्ट थी क्योंकि मेरी पवित्रता को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। मेरे पिता और गांव के पंचायती भी वहां मौजूद थे। मैंने कहा, मुझे ऐसी कोई भी बात मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास भड़क उठी, कहने लगी, इसका मतलब इस लड़की के दिल में चोर है, तभी ये इस बात के लिए मना कर रही है। अगर इस लड़की ने हमारी बात नहीं मानी तो हम बारात अभी वापस ले जाएंगे। मेरे पिता ये सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि बारात वापस ना ले जाएं। मेरी माँ मेरे पास आ गई और कहने लगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम पवित्र हो तो इनकी बात क्यों नहीं मान लेती? मेरे माँ बाप दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा कर तसल्ली कर लें। अब तो साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है, खुदा के लिए आप इस वाहियात सी रस्म पर यकीन करके उस सुनसान वीराने में हम लड़कियों को बंद नहीं किया जाए। मगर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अब्बा तो जैसे किसी बेजान से स्टैचू की तरह बैठ गए, जैसे मैंने सच में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मुझ पर लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए। अब्बा से मेरे बारे में कहने लगे, देख ले, तुझे कहा भी था कि बेटी को शहर पढ़ने ना भेज, कैसी हाक उड़ाई तेरी बेटी ने तेरे सर पर। मैं अब्बा के सामने बैठकर रोती बिलखती रही कि अब्बा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप लोग बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा ले। मगर सब लोगों को उस आस्ताने की सच्चाई पर बहुत यकीन था। मेरा इनकार मेरे किरदार यानी कैरेक्टर पर शक पैदा कर रहा था, और मेरा इकरार यानी हाँ कहना मुझे डरा रहा था कि मैं कैसे जंगल के बीचों बीच बने उस कमरे में 7 दिन तक रह सकती थी। लेकिन मुझे अपने माँ बाप के आंसू और बेबसी देख कर चुप होना पड़ा था। पंचायत ने मेरे लिए यही फैसला किया कि मुझे जंगल में 7 दिन रहना पड़ेगा। मैंने दुल्हन वाले कपड़े बदले और एक सादा सा लिबास पहनकर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था काशिफ की जाहिलाना और घटिया सोच पर। मैं कुछ बुजुर्गों और अपने पिता के साथ उस बियाबान जंगल में चली गई और मुझे बंद कर दिया गया। छोटा सा कमरा, घुप अंधेरा, एक ही चारपाई जिस पर मैं बेबसी से लेटी हुई आंसू बहा रही थी। ना जाने ये कैसी अंधेर नगरी थी, कैसा जुनून था। बचपन से मैं ये इस रस्म को होते हुए देखती आ रही थी। एक सुनसान से जंगल में एक नहर और उसके पास एक बस बना हुआ कमरा था। यहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ कैद की जाती थी जिनके कैरेक्टर पर उनके होने वाले शौहर को शक होता था, और साथ में 7 दिन का खाने पीने का सामान रख दिया जाता था, और 7 दिन से पहले वहाँ कोई नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि काशिफ को मुझ पर शक क्यों हुआ था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं एक पाक साफ लड़की थी। मैंने आज तक कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। कमरा पूरी तरीके से बंद था, एक खिड़की तक वहां नहीं थी, एक सूरज की किरण या रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी, बस एक पंखा चल रहा था। रात का अंधेरा शायद छा चुका था, सुनसान सी जगह थी, कुछ दूर से घना बियाबान जंगल शुरू हो जाता था। यहाँ कोई भी जंगली जानवर आकर दरवाजा तोड़कर मुझ पर हमला ना कर दे, इस सोच ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया था। मैं चारपाई से उठकर बैठ गई, लेकिन उस कमरे का दरवाजा मजबूत लोहे से बना हुआ था जिसे कोई कमजोर सी लड़की खोल भी नहीं सकती थी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी,
मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो महसूस किया कि उसमें फल के सिवा कुछ भी नहीं था। कमरे में ना ही कोई बल्ब लगा हुआ था और ना ही पंखे का बटन ही मौजूद था। मैंने पूरे कमरे को ठीक से चेक किया, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दोबारा जाकर चारपाई पर बैठ गई। मुझे बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि किसी के आने की आहट होने लगी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकलने लगी। बाहर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी और उस पर सितम ये हुआ कि बादलों की गड़गड़ाहट गरज भी शुरू हो गई थी। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकी, मगर बादल जब गरजता तो मुझे लगता कि उसकी आवाज से मेरा दिल ही फट जाएगा। तेज बारिश की आवाज सुनकर तो मेरा अब सब्र जवाब देने लगा। मैं रोने लगी। मुझे अपनी चचेरी बहन की कहानी याद आने लगी। जब मैंने होश संभाला था, पहली बार मेरे घर में मेरे चाचा की बेटी की शादी भी ऐसे ही की गई थी। मेरी कजन जब दूसरे गांव से अपने मामा के घर से रहकर वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने भी यही बात कही थी कि उसे अपने पवित्र होने का सबूत देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरी कजिन को बहुत लानतें दी गई और चरित्रहीनता का इल्जाम लगाया गया। वो बेचारी तो रोती रही कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। सबको बस उस आस्ताने पर यकीन था। सभी कहते थे कि आस्ताना पवित्र है, पाक साफ औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी कजिन को इसी कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया था। उन 7 दिनों में उसकी पवित्रता जाहिर हो जाएगी। वहाँ एक नमाज पढ़ने के लिए जाय नमाज नमाज पढ़ने वाला आसन रख दिया गया था। लोग कहते थे कि ये जाय नमाज उन पहुंचे हुए बाबा का जाय नमाज है जिन बाबा के नाम से वो आस्ताना यानी पवित्रता साबित करने वाला कमरा बनाया गया था। लेकिन उन बाबा को हमने या हमारे बुजुर्गों या उनके पुरखों ने भी कभी नहीं देखा था। लोग कहते थे कि सुना है कि यहाँ एक बहुत नेक बाबा इबादत करते थे और औरत की पवित्रता साबित कर देते थे। मेरी कजिन जब कमरे से बाहर निकली थी तो उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी, जबकि वो बहुत खूबसूरत थी और कमजोरी की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बस वो चुप हो गई थी, उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकला था। और फिर उसकी शादी की तारीख रख दी गई, मगर शादी से कुछ दिन पहले ही वो मर गई थी। मरते समय उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। सब कह रहे थे कि उन्होंने जहर खा लिया है। मैं उस समय 10 साल की थी। मुझे अपनी कजिन से बहुत मोहब्बत थी। उनके मरने पर मैं बहुत रोई थी। आज मेरे साथ भी वही होने जा रहा था, ये सोचकर मैं और भी परेशान थी। लेकिन फिर मैंने सोचा रोने से समस्या का हल नहीं होगा, मैं अपने खुदा से अपनी मदद के लिए दुआ करूंगी। मैं वॉशरूम में चली गई। नमाज पढ़ने के लिए मैं वुजू कर रही थी कि वॉशरूम के अंदर से खिड़की खुली। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने वॉशरूम की खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई। मैंने वॉशरूम का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, फिर सोचने लगी कि आखिर ये क्या माजरा है। एक सुनसान बियाबान जगह पर सिर्फ एक कमरा ही था, आगे पीछे भी कोई नहीं था। फिर जब कमरे में कोई खिड़की थी ही नहीं और वॉशरूम में देखने पर भी कोई खिड़की नजर नहीं आ रही थी, तो फिर ये खिड़की कहाँ से आ गई और एक मर्दाना हाथ भी। कुछ ही देर में वॉशरूम के अंदर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल था। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि जैसे फटकर बाहर ही निकल आएगा। मैं डर से थरथर कांप रही थी। वॉशरूम का दरवाजा भी लोहे का ही था जो बहुत जोर जोर से खटखटाया गया था, मगर डर के मारे मैं एक कोने में छुपकर बैठ ही रही। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, बस दरवाजा ही खटखटाया जा रहा था। फिर कुछ देर बाद खामोशी सी छा गई। मुझे खौफ के मारे ऐसा लग रहा था कि मर ही जाऊंगी। आखिर कौन था वो? क्या कोई बनमानस था? क्योंकि उस हाथ पर बहुत सारे काले बाल थे। मैं जंगल में बने एक कमरे में थी। यह खतरनाक जानवरों का होना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन नींद भी एक ऐसी नियामत है कि हर हाल में आ ही जाती है। ना जाने रोते रोते कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर जब मुझे रात का ख्याल आया तो मुझे फिर से डर लगने लगा। पूरा दिन मैंने डर की हालत में ही गुजारा था। भूख से मैं बेहाल होने लगी थी। डरते डरते जब मैं वुजू के लिए वॉशरूम गई तो ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी कि वहां कोई रोशनदान या खिड़की नहीं थी, बस सिर्फ दीवारें थी। मैं बहुत घबराई हुई थी।
जल्दी से वुजू करके रूम में वापस आ गई। नमाज पढ़ने के बाद मेरी भूख और बढ़ गई थी, तो मैंने कमरे में रखे हुए फल खाने शुरू कर दिए। रात को फिर से दरवाजा बजने लगा तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या माजरा था। ये कौन था जो रात को मेरे वॉशरूम में आकर कमरे का दरवाजा बजाने लगता था कि जैसे तोड़ ही देगा। लेकिन वो लोहे का दरवाजा था और मैंने दरवाजा नहीं खोला। ये दूसरी रात थी कि दरवाजा आधी रात को ही खटखटाया जा रहा था, लेकिन पूरे दिन वहां से कोई आवाज नहीं आती थी। सुबह होते ही मैं ये सोच चुकी थी कि वॉशरूम को अच्छे से चेक करूंगी। मैंने दिन में वॉशरूम का जायजा लिया। जहां से खिड़की खुली थी वो दिन में देखने में दीवार जैसी ही थी। जब मैंने उस पर हाथ फेरा तो वो सिर्फ देखने में ही दीवार जैसी थी, मगर वो जगह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धकेलना शुरू किया और कुछ जोर लगाने पर वो खिड़की खुल गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक पतली सी गली थी जिसकी छत बंद थी और गली में भी अंधेरा सा था। मुझे डर लग रहा था, मगर मैं उस खिड़की पर चढ़कर गली में उतर गई। मुझे उम्मीद सी हुई कि शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। वो गली इतनी छोटी और तंग थी कि सिर्फ दो लोग ही मुश्किल से उसमें से जा सकते थे। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी उस गली में रोशनी सी होने लगी थी। गली की छत पर गोल गोल सुराख थे जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं चलती जा रही थी तभी सामने एक दीवार दिखी। उसे देखकर लग रहा था कि आगे का रास्ता बंद है। जिसे देखकर लग रहा था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूं, क्योंकि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। मगर जैसे ही मेरी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। ऊपर एक लोहे का चौकोर सा ढक्कन था जैसे आमतौर से सड़कों पर गटर का बना होता है, और वहाँ मोटे से पाइप भी लगे हुए थे। मैं पाइप के सहारे ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई और लोहे का ढक्कन बाहर की तरफ धकेल दिया। और जब मैं बाहर निकली तो सामने जो शख्स नजर आया था उसे देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी, क्योंकि वो तो हमारे गांव का चौधरी था। वो बहुत रहमदिल इंसान था, लोगों की मदद करता रहता था। यहाँ तक कि गांव के ज़रूरतमंद लोगों को चुपचाप पैसे पकड़ाकर उनकी मदद किया करता था। गांव की बहन बेटियों की जब शादी होती तो शादी का खर्चा अपने जिम्मे पर ले लेता और कहता कि ये सब मेरी बेटियां हैं, इसलिए गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वो हमारे बाप की उम्र से भी बड़ा था और जब भी मिलता तो हमारे सर पर हाथ रखकर बाप की तरह प्यार देता था। सारे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लोग उसे माई बाप मानने लगे थे। मैं उनके बड़े से महल में कई बार जा चुकी थी। उनकी बेटी मेरी क्लासमेट थी और मेरे साथ हॉस्टल में ही रहती थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी इसलिए हॉस्टल में उसका कमरा उसकी हैसियत के हिसाब से ऐशो आराम की चीज़ों से भरा पड़ा था। मैं गरीब किसान की बेटी थी इसलिए एक छोटे से कमरे में रहती थी, मगर उस लड़की में ज़रा भी घमंड नहीं था। जब भी हम छुट्टियों में गांव जाते तो वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर गांव जाने लगती और मुझसे कहती कि रिता तुम मेरे साथ ही चलो, गाँव पहुँचकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगी। लेकिन मैं मना कर देती कि मुझे अब्बा लेने आएंगे, उनके साथ ही आऊँगी। मेरी बात सुनकर चौधरी साहब कहते कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं वकार से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी बेटी को लेने आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती और वो मुझे घर पर छोड़ देते और मेरे अब्बा से कहते कि ये मेरे साथ आई है। मेरे अब्बा उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। कई बार पढ़ाई के सिलसिले में मैं अपने अब्बा के साथ उन चौधरी साहब के महल में भी गई थी। उनकी बेटी मेरी क्लासमेट थी तो अक्सर मुझे कुछ नोट्स के बारे में कुछ भी पूछना होता था तो मैं अपने वालिद के साथ उनके महल में चली जाती थी। जो लोहे का ढक्कन मैंने उठाया था और ऊपर आकर देखा था तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया था, क्योंकि वो जो सकरी सी गली थी उसका आखिरी छोर चौधरी साहब के महल के पिछले हिस्से में था और मैं अपने मसीहा के पास पहुँच गई थी। यकीनन वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। जिस तरह वो नरम मिजाज और दयावान इंसान थे इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे पहले कि मैं भागकर महल के अगले हिस्से में जाती एकदम से मेरे पैर वहीं जम गए। मेरे दिमाग ने मुझे उसी वक्त रोक दिया कि अगर यही मेरे मसीहा हैं तो उस कमरे का रास्ता उनके घर तक कैसे पहुंच रहा है। जिस कमरे को एक सुनसान जगह पर बनाया गया था उसके पिछले हिस्से में बाग सा लगा हुआ था, ऊँचे ऊँचे पेड़ लगे हुए थे। वहाँ मौजूद पेड़ों की आड़ में मैं छुप गई। मेरी सिक्स सेंस ने मुझे खतरे की घंटी सुनाई थी इसलिए रात तक वहीं बैठी रही।
रात को जब अंधेरा हो गया तो वही चौधरी साहब अपने दो नौकरों के साथ उस लोहे के ढक्कन के पास खड़े हुए थे। उनके चेहरे से गुस्सा झलक रहा था। अपने नौकर को बन मानुस जैसा हुलिया बनवा कर उससे कहने लगे, अगर आज वो लड़की दरवाजा ना खोले तो दरवाजा तोड़ देना। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। अपने नौकरों को इतना बोलकर चौधरी वहां से चला गया था। चौधरी इंसानी रूप में किसी दरिंदे से कम नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था कि मुझे कमरे में ना पाकर वो समझ जाएगा कि मैं उसके घर पर हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्दी से जल्दी उस जगह से निकलना था, मगर कैसे? मैं एक पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई थी। वहां गीली मिट्टी का ढेर था, इसलिए मुझे चोट नहीं आई थी। मैं अंधाधुन बिना सोचे समझे भागी जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होगा, मगर मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी और अपने गांव वालों के सामने उस आस्ताने का असली पोल खोलना था। गांव के लोगों की आस्था और विश्वास गलत जगह पर पक्के होते जा रहे थे। मेरी चचेरी बहन के साथ कितना कुछ हो चुका था, अब ये भेद मुझ पर खुल चुका था कि वो क्यों मर गई थी। यकीनन जहर खाकर उसने अपनी जान दे दी थी। उस चौधरी ने उसे अपने जुल्म और हवस का निशाना बनाया होगा। मैं भी अपनी कजिन की तरह खूबसूरत आकर्षक रंग रूप वाली थी। मेरे दिल में उस चौधरी की बहुत इज्जत थी। मैं बाप जैसा उसका एहतराम करती थी, इसलिए उसके गलत इरादों की भनक भी मुझ पर नहीं पड़ सकी थी। ये सारा खेल उसी चौधरी का रचाया हुआ था, क्योंकि काशिफ उस चौधरी के पास ही नौकरी करता था। उसकी जमीनों की देखरेख करना काशिफ का काम था, इसलिए ये शक का बीज उसी चौधरी ने उसके दिमाग में डाला होगा। भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाकर गांव की खूबसूरत लड़कियों को ऐसे ही उस आस्ताने में जाने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि मेरी शादी पर आखिरी फैसला उसी चौधरी ने ही पंचायत में रखा था कि मुझे उस आस्ताने में बंद कर दिया जाए। ये शख्स गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बनकर उनके घरों में जाता ताकि उनकी लड़कियों में नजर रख सके। उनमें से जो उसे अच्छी लगती है उसे बदकारी या चरित्रहीनता के शक में उसे कमरे में बंद करवा देता ताकि अपने गंदे इरादों को पूरा कर सके। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिस तरफ भाग रही हूँ उसकी मंजिल क्या है और वो रास्ता कहाँ जाकर खत्म होगा, लेकिन मैं भाग भाग कर हाँफने लगी थी कि अचानक से एक जीप की हेडलाइट की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मेरी आंखें चौंधिया सी गई थी, मैं थक्कन डाल होने लगी थी। वो जीप जब मेरे सामने आकर रुकी तो मैं गिरकर बेहोश हो गई थी। जब मैं होश में आई मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। जो इंसान मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरी डर के मारे जान निकल गई। मैं लगातार रोए जा रही थी, मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। सामने उस चौधरी का नौजवान बेटा खड़ा हुआ था, वही मुझे अस्पताल लाया था। मैं उसकी जीप से टकराते हुए बची थी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस अजियत मुसीबत से बचकर भागी थी उसी में जाकर फंस जाऊंगी। नौजवान मेरे पास आया तो मैं सहम कर पीछे हट गई। वो मुझसे कहने लगा, कौन हो तुम? वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं कई बार उसकी बहन के पास जा चुकी थी और वो सरसरी निगाहों से मुझे देख चुका था। अब मैं डर रही थी कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले, इसलिए मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया। मगर मेरी बुरी किस्मत कि वो मुझे पहचान चुका था। वो मुझसे मेरे भागने और रोने की वजह पूछने लगा। मैं उससे क्या बताती, अगर सच बता भी देती तो वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करता। वो तो अब उसी का बेटा था, भला मेरी बात सुनकर अपने बाप को क्यों गलत समझता। वो मुझसे कहने लगा, अगर मैंने सच सच नहीं बताया तो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं पहले से ही इतनी डरी सहमी हुई थी, उसकी बात सुनकर मैं और भी बदहवास ही हो गई। मैंने सोचा, मौत तो वैसे भी मेरे चारों तरफ मंडरा ही रही है, बेहतर है मैं उसे सच कहकर मर जाऊं। मैं सोचने लगी कि शायद मेरी कजिन ने भी इसलिए जहर खाया होगा, क्योंकि वो जानती थी कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने उस नौजवान को सारी सच्चाई बता दी। अपने बाप का नाम सुनकर उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अस्पताल से बाहर अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। मैं जान गई थी कि अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। वो बड़ी तेजी से गाड़ी भगाते हुए मुझे गांव ले जा रहा था। मैं उससे मिन्नतें करने लगी कि मेरी जान को बख्श दो, लेकिन गाड़ी जहां जाकर रुकी वो जगह देखकर मेरी रूह ही कांप गई। कुछ ही देर में चौधरी को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी। उसकी हकीकत का सारा भेद पूरा गांव जान चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि चौधरी का बेटा पुलिस में है। जब उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हुई तो मुझे लगा कि वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा,
अपने बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में। मगर जब मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर गई तो बहुत सारे पुलिस वाले उसे सर सर कहते हुए सलूट मारने लगे। उसने मेरा बयान दर्ज करवाया। वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। मैंने कहा, तुम अपने बाप के खिलाफ कैसे जा सकते हो? वो कहने लगा कि चौधरी मेरा सगा बाप नहीं है, मेरी माँ की उस दरिंदे से ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। उसने मेरे सगे बाप से मेरी माँ को ज़बरदस्ती तलाक दिलवाया था। उस पर भी चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगाकर उसे उसी आस्ताने में बंद करवाया था। लेकिन उस घटिया आदमी का मेरी माँ पर ऐसा दिल आया कि उसने मेरी माँ से निकाह कर लिया, क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। वो जानवर खूबसूरत लड़कियों को देखकर पागल हो जाता है। मैं बहुत दिनों से एक ऐसे ही मौके की तलाश में था कि मैं उसे बेनकाब कर सकूं। आस्ताने का राज भी खुल चुका था। मैं आज़ाद थी, बाइज्जत अपने बाप के घर पर मौजूद थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, खुद को हालात के हवाले नहीं किया। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में मैंने वो सब किया जो मुझसे हो सका। इसलिए खुदा ने मेरी हर कदम पर हिफाजत भी की कि मेरी वजह से आज एक जाहिलाना अंधविश्वासी रस्म टूटी थी। अब कोई भी एक भी लड़की के चरित्र पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा और ना ही उसे बियाबान जंगल में बंद कर सकेगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरे अब्बा मुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और सर उठाकर चलने लगे थे, कहते, देखो मेरी बेटी ने आस्ताने की सच्चाई को उजागर कर दिखाया। बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाने का फैसला मुझे देखकर ही किया था। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात थी। मैंने काशिफ से शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा बीवी पर शक ही करते रहते हैं। मेरी शादी उसी पुलिस वाले से हो गई थी जिसने मेरा साथ दिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।